तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा टीवी आ गया है एयरटेक का, जो कि मैंने ऑर्डर किया था अमेजन से। ये लगभग 5,000 पड़ा था मेरे को। तो इसको मैंने ऑर्डर इसलिए किया था क्योंकि ये तो एक छोटा टीवी है और दूसरा कि मॉनिटर के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि इसमें जो कि VGA पोर्ट दिया गया था। तो देखते हैं कि है कि नहीं, यहाँ ऊपर में तो कहीं मेरे को दिख नहीं रहा कि लिखा हुआ कहीं। तो चलिए इसको अब ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। सीधा है कि उल्टा मेरे को नहीं पता। हाँ शायद सीधा है, अभी देख सकते हैं आप। तो और क्या क्या बॉक्स में मिलता है, तो ये देखिए, ये रिमोट है इसका टीवी का। चलो इसको भी रख देते हैं साइड में, और चाकू को भी थोड़ा साइड रख देते हैं, नहीं तो अभी मेरा टीवी खराब हो जाएगा। अब चलिए टीवी को आराम से निकाल लेते हैं। दोस्तों इसका पीछे से लुक देख सकते हैं कैसा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है मेड इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहा अच्छा से, तो ये है मेड इन इंडिया। पोर्ट्स की बात करें तो चलिए पोर्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन सा हमें पोर्ट मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमें हेडफोन के लिए दिया गया है, उसके बाद USB 2 है, और यहाँ पे वीडियो का कनेक्शन है। और दोस्तों कोई पोर्ट्स तो हाँ नीचे है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे VGA का दिया गया है और HDMI दिया गया है 2, तो अच्छा है। VGA ऑडियो आउट भी है और फ्री एंटीना वगैरह दिया गया है इसमें, तो कनेक्शन तो अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पे देख सकते हैं। और लाइट वेट है, ठीक ठाक लग रहा है। तो अब इसको हम सेट करके देखते हैं अपने सेटअप बॉक्स के साथ, जो कि है जियो का सेटअप बॉक्स। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको सेट कर लेते हैं, क्या क्या हमें मिला है यहाँ पे। तो ये तो है रिमोट, और ये है इसका स्टैंड, तो इसी पे ये बेसिकली खड़ा होगा। तो ढेर सारे नट दिए गए हैं, खोना नहीं चाहिए, ये वारंटी कार्ड वगैरह है। वॉल माउंट के लिए है, तो यहाँ पे माउंट अभी हम करेंगे नहीं, इसको हम रखने के लिए साइड कर देते हैं अभी। इसको इस्तेमाल अभी इसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं करना, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसका अभी। तो अब इसका सेट करना है, तो चलिए सेट करते हैं। उससे पहले ये है हमारा औजार। तो फ्रेंड्स इसका मैंने स्टैंड लगा दिया है, जो कि टीवी का पैर है। तो आप देख सकते हैं अब ऐसा कुछ लुक होता है, तो ठीक ही लग रहा है। आप इसको सेट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टीवी को सेट कर दिया है, और देख सकते हैं ये है टीवी का हमारा रिमोट, और ये है हमारा जो साइड में पड़ा हुआ है वो है जियो फाइबर का। तो इस टाइप का आपको फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, और AV1 आपको दिया गया है। तो इसमें AV1 AV2 दिया गया है, उसके बाद आपको जैसे कि मैंने उसमें दिखाया था कि इसमें HDMI 2 दिया हुआ है, तो ये अभी HDMI से मैंने कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप से, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आप क्वालिटी देख सकते हैं और इसका देख सकते हैं। और दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें तो मेरा लैपटॉप में जो है इसमें फुल HD दिया गया है, और ये जो आपका अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ TV या मॉनिटर भी साथ में कह सकते हैं, इसमें दिया गया है आपको HD। ठीक है, तो ये HD डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले नहीं है, इस बात को याद रखना है। तो अगर इसका पिक्चर क्वालिटी का बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी ये इसको HDMI से चलाया है, तो देख सकते हैं इसमें जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर फुल HD होता तो और भी मज़ा आता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा लैपटॉप में कैसा दिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो HDR10 का सपोर्ट है भी दोस्तों इसमें, तो इसके कारण बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में। तो बस सिर्फ
फुल एचडी होता तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, आप ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट है, उतना ज़्यादा हाई आपको नहीं मिलता, वैसा बेस आपको नहीं मिलता है, तो ठीक ठाक ही कह सकते हैं, अच्छा है, काम चलाओ। तो आप देख सकते हैं, खुद से सुनिए। तो फ्रेंड्स अब मैंने इस टीवी को अपने जियो फाइबर से कनेक्ट कर दिया है, तो जैसे ही जियो फाइबर को कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप का आता है फर्स्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको रिमोट को कनेक्ट करने के लिए बोलता है, तो कोई भी आप बटन होल्ड करेंगे तो ये आप जो जियो फाइबर है उससे कनेक्ट हो जाएगा रिमोट, उसके बाद आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कनेक्ट होने के बाद देख सकते हैं ढेर सारा ऑप्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊं कि कैसे जियो फाइबर काम करता है, दोस्तों मैं बताऊं तो बहुत ही मस्त लगा मेरे को ये जियो फाइबर है। मतलब ये स्मार्ट टीवी नहीं है लेकिन इसे स्मार्ट टीवी बना देता है। और मैं दोस्तों बता दूं कि इसमें वाईफाई भी मिलता है, ब्लूटूथ भी मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं आसानी से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप अपने हेडफोन में लगा करके इसे, अगर आपके पास ईयरफोन है ब्लूटूथ तो आप अगर चाहते हैं सिंगल देखना बिना किसी को डिस्टर्ब किए तो आप आसानी से देख सकते हैं। और जो दोस्तों साउंड क्वालिटी आता है इसका आउटपुट बहुत ही मस्त आता है, तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दोस्तों इसमें और ख़ास बात यह है कि जितना भी ये सब, जैसे मान लीजिए कि अमेज़न प्राइम है, हॉटस्टार है, और भी कुछ कुछ, तो बहुत सारा जो है एप्लीकेशन ये आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद सन नेक्स्ट वगैरह तो जानते ही होंगे, तो मतलब ढेर सारा है। अगर इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें देख पाएंगे कि क्या क्या है, और जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। इसका जो हाई क्वालिटी है वो आपको दोस्तों 60 FPS पे मिलता है और 180 पिक्सल पे मिलता है, तो अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही मस्त लगता है देखने में। और जितना भी चैनल वगैरह होता है दोस्तों वो भी सारा आपको फ्री मिलता है, तो कोई भी चैनल आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने मोबाइल में भी यूज़ कर चुके होंगे जियो टीवी। तो जियो टीवी के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, कॉल वगैरह तो अनलिमिटेड है ही, जैसा कि आपको और भी ब्रांड वगैरह में मिलता है, जैसे कोई भी ब्रॉडबैंड अगर आप कनेक्शन लेते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसमें भी दोस्तों ऐसा है कि कॉल वगैरह तो मिलता ही है, वाईफाई भी यूज़ कर ही सकते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसका प्राइस की बात करें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 800 से शुरू होता है अगर GST वगैरह लगा के बात करें, तो उसके बाद 1000 जाता है, तो मैं 1000 का डलाता हूँ अधिकतर, क्योंकि उसमें अच्छा खासा दे देता है। अभी 400 GB दे रहा है, तो 400 GB दोस्तों बहुत ही मतलब ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो ख़त्म नहीं हो पाता है, लगभग 300 350 तक ख़त्म होता है अगर अच्छे से यूज करें तो। और दोस्तों अगर टीवी की बात करें, अगर हम चलाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 घंटा टीवी चलाते हैं, तो आपका ज़्यादा नहीं ख़त्म होता है, 1 GB कह सकते हैं, अगर 1 घंटा आप लगातार यूज़ कर रहे हैं हाई क्वालिटी में, तो 1 GB आपका जाता है, तो वैसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ख़त्म होता है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टीवी को एज ए मॉनिटर भी यूज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लैपटॉप से वीजे केबल के द्वारा यहाँ पे लगा दिया है, और आप इसको मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही मस्त है दोस्तों। और ये देख सकते हैं ये है इसका रिमोट, तो कितना आसानी से हो जाता है। तो जैसे कि HDMI आप प्रेस करते हैं, तो इसमें 2 HDMI दिया, तो HDMI 1 हुआ, फिर HDMI 2 हुआ। तो दोस्तों HDMI 2 में मेरा जियो फाइबर अभी कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं जियो फाइबर का आसानी से आ गया। उसके बाद जैसे दोस्तों अगर हम PC को मान लीजिए प्रेस करते हैं, तो जो PC का था वो आ गया, यानी कि आप एक साथ आप 4 5 यूज कर सकते हैं इस टीवी में, तो ये मेरे को बहुत ही मस्त लगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टीवी में अपना चैनल को खोल करके देख रहा था, और बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे को। और ये दोस्तों टीवी का कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, क्या क्या आपको इसमें मिलता है, और इसका पिक्चर क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं, बहुत मस्त है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी न्यूज़ और बेल आइकन को दबाइए।